खबरों की नई पहचान। स्टेशन रोड में नासवी के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों ने रणनीति बनाकर आगे के आंदोलन करने के मूड में हुए एकजुट। सभी फुटपाथ दुकानदारों ने नासवी की रणनीति में फुल समर्थन देने की बात कही। वहीं अगली रणनीति धनबाद के उपायुक्त, नगर आयुक्त, DRM, SDM तथा रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में केस करने की दी चेतावनी। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कहने का अर्थार्थ है कि विक्रेता प्रमाण पत्र हमें प्रमाणित करता है। धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन NULM आप झारखंड सरकार का लोगों भी देखेंगे। जब 2014 में ये कानून बना और 2015 में झारखंड सरकार नियमावली लाई, उस नियमावली के तहत वेंडर्स का 2016 और 17 में एक बार सर्वे हुआ। हर एक 5 साल में इस एक्ट के तहत वेंडर्स का सर्वे होना है। इस बार 2022 में फिर सर्वे हुआ और सबको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और ID कार्ड मिला। आज आप लोग क्या करने वाले? आज हम सब, एक तो मीडिया को हमने ये सूचना दे दिया कि आगे की कार्रवाई हमारा ये है कि सभी जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने इन वेंडरों का रोजी रोजगार और इनकी क्षति पहुंचाई है, उनको सूद समेत उनके पैसे वापस करने होंगे और उनको दुकान लगाने की अनुमति के देना होगा। रणनीति तो अब हम लोग के पास एक ही उपाय है, कोर्ट का शरण लेना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके पूर्व में हम लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक पार्टी जितने लोग हैं, यहाँ तक कि संसद महोदय के लिए हम लोग 2 4 बार पर्सनली जा कर के मिले हैं, दुकानदार जा कर के मिला है, यहाँ यहाँ जो विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनसे भी मिला गया है, दुलू महतो जी से मिला गया है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोग लिखित दिए, और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, नगर आयुक्त हैं, डीसी महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, है ना, DRM साहब हैं, सारे लोगों को हम लोग चिट्ठी दिए, एक बार नहीं 10-10 बार चिट्ठी दिए हैं। पता नहीं इनको क्या है कि चिट्ठी का जवाब देना है या नहीं, तो सड़े हुए टोकरी में फेंक देते हैं हम लोग को चिट्ठी को, क्या है पता। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग तो एक ही विकल्प लिए हैं कि ये जो वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट हम लोग को मिला है, इसको तो लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये ऐसा मतलब सर्टिफिकेट रख के क्या करेंगे, इसको हम लोग चौराहे पर जा कर के जलाएंगे, पहले जलाने का काम, और इसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में जाएंगे, जो हमारे फूट पाथ दुकानदारों को क्षति पहुंचाया है।